जय श्री कृष्ण। भागवत गीता अध्याय 7। इस अध्याय की शुरुआत श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से होती है। वे बताते हैं कि एक धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह ये सभी ऊर्जाएं उनसे उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में समाहित हैं। पूरी सृष्टि उन्हीं में शुरू होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। हालांकि उनकी भौतिक ऊर्जा माया पर विजय पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग उनके प्रति समर्पित होते हैं वे उनकी कृपा से आसानी से इसे पार कर सकते हैं। फिर वे चार प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी भक्ति में लीन होते हैं और बाकी चार जो उनके सामने समर्पण नहीं करते। वे कहते हैं कि जो भक्त ज्ञानपूर्वक उनकी पूजा करते हैं और अपने मन और बुद्धि को उनमें विलीन कर देते हैं वे उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। फिर भी कुछ लोग भौतिक इच्छाओं से भ्रमित हो जाते हैं और दिव्य देवताओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं जो उन्हें अस्थाई भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि ये दिव्य देवता भी सर्वोच्च भगवान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं, इसलिए भक्ति का सबसे योग्य पात्र स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हैं। भगवान आगे कहते हैं कि वे ही परम सत्य और सर्वोच्च अधिकारी हैं। उनमें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञता जैसे अनेक दिव्य गुण हैं। हालांकि उनकी दिव्य योग माया शक्ति उनके अविनाशी स्वभाव और शाश्वत दिव्य रूप को छिपाती है। जो भक्त उनके प्रति समर्पित होते हैं और उनकी शरण लेते हैं उन्हें सर्वोच्च ईश्वर स्वयं कर्मों के संपूर्ण क्षेत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार अनन्य भाव से मुझ में मन लगाकर तथा भक्ति योग के द्वारा मुझ में शरण लेकर तू मुझे पूर्णतया जान सकता है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और बुद्धि पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से विरले ही कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी विरले ही कोई मुझे सत्य रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं। ऐसी है मेरी अपरा शक्ति। लेकिन हे महाबाहु अर्जुन, इससे परे भी मेरी एक और श्रेष्ठ शक्ति है, यह जीव शक्ति है, जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं जो इस संसार में जीवन का आधार हैं। यह जान लो कि सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ, मैं मनुष्यों में क्षमता हूँ, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ तथा तपस्वियों की तपस्या हूँ। अर्जुन, तू यह जान कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूँ, मैं वह यौन क्रिया हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रों के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस माया के संसार के 3 गुणों से मोहित होकर
लोग मुझ अविनाशी और नित्य स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं। प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। चार प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते, जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्यपूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है, तथा जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। दुखी, ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के चाहने वाले तथा ज्ञान में स्थित रहने वाले। इनमें से जो ज्ञानपूर्वक मेरी पूजा करते हैं तथा मुझमें स्थिर चित्त होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे भी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो लोग मेरी भक्ति में हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर चित्त हैं, जिनकी बुद्धि मुझमें लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान से संपन्न मनुष्य मुझमें ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से बह गया है वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं, इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। परंतु इन अल्पज्ञ लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। वे मेरे साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनशील हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा समस्त प्राणियों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष द्वैत मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं को जीतने वाले, भौतिक जगत के सभी जीव इनसे मोहित हो जाते हैं, किंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों में संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आते हैं वे ब्रह्म आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत पदार्थ क्षेत्र तथा अधिदैव देवताओं का नियामक तथा अधिज्ञ समस्त यज्ञों का स्वामी के रूप में जानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे प्रति पूर्ण चेतना में रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग संपूर्ण हुआ।